नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली होता क्या है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी मैटर को या किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करके अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे अलग से दिखाई दे, मेरी नज़र सबसे पहले उसी चीज़ पर पड़े, तो उन जैसी चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको पोएम ऐड करनी है, पोएट्री ऐड करनी है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बॉक्स से नज़र आएंगे, जिसमें से आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी टाइप कर लिया, मान लीजिए हमने इसमें ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप इसे जहाँ पर भी मूव करना चाहें आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसे बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो आप इसे अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके किसी भी कॉर्नर पर जाना होगा, आपको ये निशान दिखाई देगा, इसे पकड़ करके आप जहाँ भी इसे मूव करना चाहें आप इसे ईजिली यहाँ पर उसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, शेप फॉर्मेट का आपके सामने एक यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएगा। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब में और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा ड्रॉ बॉक्स का। ड्रॉ बॉक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लस का एक निशान दिखाई देगा और प्लस के निशान की मदद से आप यहाँ पर कोई भी बॉक्स अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, हमने बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर अब जो लिखना चाहें, मान लीजिए हम इसमें भी वही टाइप कर देते हैं और इसमें टाइप करने के बाद आप इसको भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से पिछला वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ किया था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने न्यू बॉक्स ड्रॉ किया है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा। अगर हम इसको मूव करते हैं कहीं पर भी ले जा करके तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको यूज़ करना होगा। इनमें से काफ़ी सारे आपको टेक्स्ट रैप दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी टेक्स्ट रैप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया टाइट। टाइट यूज़ करने के बाद आप इसे ईजिली कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये आसानी से आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट भी आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप इसे हाईलाइट करने के लिए किसी भी फॉर्मेट या किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट हो वो अलग से आपको हाईलाइट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर खुद का अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसको इसमें सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम सभी मैटर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ से इंसर्ट टैब के शेप वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम इसका कोई कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये कलर इसका सेलेक्ट किया और इसके बाद आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप एड टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि हमारी गैलरी में सेव हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको जब भी चाहूँ तो उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर जाना होगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा गैलरीज में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है या फिर कोई टेबल है या फिर कोई वाटरमार्क है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किस कैटेगरी का है, तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसके अंदर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कैटेगरी का नाम दे दिया हेडिंग। हेडिंग नाम देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैटेगरी यहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक करना है।
आपका ये टेक्स्ट बॉक्स इसकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसको आप निकाल के यहाँ से सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे जाएगी, हेडिंग की कैटेगरी, और हेडिंग में जिस नाम से आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। इसके लिए हम सभी बॉक्सेस को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो मोर टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग से हमें office.com की तरफ से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका भी आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी पोएम के लिए या किसी पोट्री के लिए या किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली इस तरीके से हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।